अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इकराम, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर और आपके सामने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लेकर हाजिर हूँ। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिप्रेजेंट किया बताया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसके बारे में बड़ी तफसील से हमें मालूमात दी, मैं आपके सामने पेश करूँगा बड़ी इंटरेस्टिंग वे में, तो जुड़े रहिएगा मोहम्मद इकराम उस्मानी के साथ। तो बेटा, सबसे पहली बात, लॉ ऑफ डिके क्या होता है? लॉ ऑफ डिके में उसने क्या चीज़ बताई कि कोई भी न्यूक्लियाइज हैं तो उनके रिएक्ट करने का रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई ज़्यादा आप इकट्ठे करेंगे उतना रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा, उतना रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब देखो, मेरे पास एक ये कंटेनर है, ये बंद कंटेनर है चारों ओर से, इसके अंदर मैंने न्यूक्लियाई को रखा हुआ है, इनकी जो तादाद उसको मैं एन से शो कर रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को। इसके अंदर ना कोई एक रिएक्टिव न्यूक्लियाई था, रिएक्टिव न्यूक्लियाई एक है, हमारे पास एक न्यूक्लियाई रिएक्टिव है जिसकी वजह से ये रिएक्टिव का मतलब है कि इसके अंदर या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा है या कम है एक ख़ास मकदार से। तो ये उस ख़ास मकदार को अचीव करने के लिए इधर उधर से अपनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को अचीव करने की कोशिश करेगा, इसी दौरान बाकी न्यूक्लियाई भी रिएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिके बढ़ता जाएगा। अब ये हम इसको मैथमेटिकल देखो तो सबसे पहले तो मैं रेट ऑफ डिके को आपके सामने बयान करता हूँ। तो जो रेट ऑफ डिके होता है ना, रेट ऑफ जो डिके है ये बराबर होता है नंबर ऑफ रिएक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड ओवर टाइम। देखो, डिके का मतलब है न्यूक्लियाई जो डिकेड है, जो रिएक्ट कर चुके हैं, और रेट का मतलब टाइम, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ डिके निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड ओवर टाइम। तो इसके लिए मैं करता हूँ कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हमारे पास मौजूद है, इसके लिए मैं इसके अंदर जो रिएक्टिव हो चुके हैं उस रिएक्टिव न्यूक्लियाई को मैं डिकेड न्यूक्लियाई को मैं नाम दे देता हूँ डी एन से। टोटल थे एन, डी एन मैंने दे दिया नाम जो रिएक्ट कर चुके हैं, डिकेड है। अच्छा जी, और टाइम को कोई ख़ास टाइम की बात कर रहा हूँ, किसी ख़ास टाइम में जो डिकेड हो चुके हैं वो डी एन है, और उस ख़ास टाइम को मैं डी टी का नाम दे देता हूँ, इधर पुट कर दो। तो रेट ऑफ डिके जो है, रेट ऑफ डिके बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई डी एन ओवर टाइम क्या है, डी टी। आपकी बुक्स में इधर नेगेटिव लगा होता है, नेगेटिव का मतलब क्या है? अब डी एन मतलब जैसे ही रिएक्शन बढ़ता चला गया, न्यूक्लियाई वक्त के साथ कम होते चले जा रहे हैं, एन की मकदार कम होती चली जा रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा है। नेगेटिव बता रहे हैं न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं वक्त के साथ, तो वक्त के साथ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं। अच्छा जी, इस में रेट ऑफ डिके की जगह पर इसकी जो वैल्यू आई है वो पुट करो, पुट इन इक्वेशन वन। तो इसकी जगह पर मैं पुट करता हूँ माइनस डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को हमने एन से शो किया हुआ है तो यहाँ पर मैंने एन लगा दिया। अच्छा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जैसे ही मैं साइन को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लैम्डा मैंने लगा दिया। ये लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, ये जो लैम्डा है हमारे पास, ये लैम्डा ये शो कर रहा है, ये कहलाता है डिके कॉन्स्टेंट। इसको भाई साहब कहते हैं डिके कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। आप कहोगे सर जी आज तक हम लैम्डा पढ़ते आए, आपने कॉन्स्टेंट बना दिया। आप बात याद रखिएगा कि नाम देना हो, कॉन्स्टेंट यूज़ करना हो, कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में कोई भी ग्रिप नहीं है। अच्छा जी, ये लैम्डा एन हमारे पास मौजूद है, मैंने ये तो आपको, ये है जी हमारे पास एक सिंपल फार्मूला इस रेडियो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की, ये मैथमेटिकली फॉर्म आ चुकी है आपके सामने। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म निकालनी हो तो मैं सबसे अब लॉगरिथमिक
मैं लॉगार्थमिक फॉर्म आपके सामने पेश करूंगा। अब इसकी लॉगार्थमिक फॉर्म, इसकी लॉगार्थमिक फॉर्म तो मैं क्या करूंगा, देखो एन को उठाकर इधर ले जाओ, टी को उठाकर इधर ले जाओ। एन को उठाकर उधर ले गया और मैं लैम्डा इधर पड़ा था, और टी को उठाकर इधर ले गया, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली। मैं फर्ज कर रहा हूँ कि हम खास वक्त में इधर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब टाइम ज़ीरो था तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे वो एन नॉट थे, जब टाइम टी हुआ तो हमारे पास एन, आपको अगर सर टोटल एन है तो असल में एन न्यूक्लियाई उनकी बात हो रही है जो बाकी बच गए हैं, बाकी बच इस वक्त के बाद जो रिएक्शन हो गया बाकी चले गए, जो बच गए थे ना वो एन है, ये बात याद रखिएगा, एन क्या है जो बाकी बच गए थे, एन नॉट जो सबसे पहले थे टोटल, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी लूँगा, जब इंटीग्रेशन तो आएगा एन 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 और साथ आ जाएगा एन नॉट और एन लैम्डा, और इसका लूँगा तो टी आएगा साथ ज़ीरो और टी। अच्छा जी इस तरफ आ जाते हैं, देखिए जी इस पर मैं जब अप्लाई करूँगा तो लिमिट्स, तो एन माइनस एन नॉट और एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट, और सिमिलर इधर लैम्डा माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। अच्छा लॉगरिथमिक फार्मूला यूज़ करके हमने ये इक्वेशन बना ली, लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी आ चुका है हमारे पास, ये लॉगार्थमिक फॉर्म आ चुकी है, ये जी इसकी लॉगार्थमिक फॉर्म, लॉ ऑफ रेडियो डिके की लॉगार्थमिक फॉर्म। अब कहाँ पे यूज़ होगी, आपने बड़ी ज़्यादा टेंथ में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में आप हाफ लाइफ मालूम करते हैं किसी भी न्यूक्लियाई की, हाफ लाइफ मालूम करते हैं, इसकी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मालूम करना है, टाइम कितना मालूम करना है, जो चीज़ें भी मालूम करनी, तो ये फार्मूला वहाँ पे। अब इसकी एक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मैं बनाता हूँ, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ, तो ई एल एन एन ओवर एन नॉट, इस तरफ भी e माइनस लैम्डा टी, आपको पता लॉग एक्सपोनेंशियल को ख़त्म कर देता है, हमारे बच्चे बचेगा n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा टी। ये फार्मूला सुना सुना और देखा देखा आपको लग रहा होगा, टेंथ क्लास में आपने इसको बखूबी पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को या इस फार्मूले को हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। जब भी कोई रिएक्टिव न्यूक्लियाई होता है, रिएक्शन करता है, वो अपना उसकी ज़िंदगी कम होती चली जाती है, उसका मास कम होता चला जाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हमें मालूम करनी हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, कि कोई भी न्यूक्लियर कितना रिएक्टिव हुआ है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई के, और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई जितने आप लोग उतना रिएक्शन ज़्यादा होगा। आपको एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो जो बम धमाके होते हैं अगर बम के अंदर न्यूक्लियाई की बहुत कम मकदार होंगी तो छोटा धमाका होगा, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियाई उसके अंदर बनेंगे, आप रूद का नाम देते हो, जितना ज़्यादा इसके अंदर भरोगे उतना ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। असल में हो क्या रहा है, रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियाई का रिएक्शन होता है तो धमाका होता है, वो रिएक्शन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तबाही मचाएगा, तो इसको गलत काम के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करता है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है। और देखते रहें मोहम्मद इकराम उस्मानी, अल्लाह हामी व नासिर।